हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जीमेल पे अनवांटेड यूजर्स की मेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली उनको डिलीटेड आइटम्स ट्रैश में भेज सकते हैं। प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कैसे जीमेल में आप ये सेटिंग करेंगे कि आप किसी अनवांटेड, जिसको आप नहीं चाहते कि आपकी मेल आपके मेल बॉक्स में आए, उसको आप कैसे डायरेक्टली ट्रैश में भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसे। मैं इसे फ़िल्टर बोलते हैं, फिल्टरिंग लगाना। मैं जीमेल पे लॉगिन करता हूँ अपने ईमेल अकाउंट से। ये बहुत सारी मेल्स में मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। ये देख सकते हैं, मैजिक ब्रिक्स, टाटा एन वी प्रो, ये कोई मेल ढंग की मेल्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये स्पैम भी हमारे डायरेक्ट मेल अकाउंट इनबॉक्स में आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी मेल्स हमारे इनबॉक्स में ना आए, डायरेक्टली डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो सर्च बॉक्स आप देख रहे हैं, इस सर्च बॉक्स पे यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना हुआ है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप, मैं तो पूरी मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल मेल सेलेक्ट करना है। देन आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेल्स कहाँ से आए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसी को ले ले रहा हूँ, या ये मेल आईडी आप देख सकते हैं। इस मेल आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेल आईडी इनकी है और टू है मेरा मेरा अकाउंट आईडी है। सब्जेक्ट में मैं इसको सब्जेक्ट, एक यहाँ पर सब्जेक्ट है बोसले, ये सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो दोबारा से मुझे मेल अकाउंट कॉपी करना होगा, कॉपी देन पेस्ट टू अनिल देन ये मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ, रिपोर्ट मैं इसको फिशिंग करार दे रहा हूँ, या फिशिंग बोल रहा हूँ, मेरे लिए फिशिंग डज नॉट हैव। यहाँ पे आप अटैचमेंट अगर हो, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ अटैचमेंट ये भेजते हैं, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। डेट विद इन 1 डे, क्रिएट फिल्टर लिस्ट विद दिस सर्च। अब आप क्या चाहते हो, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, स्टार इट, स्किप द इनबॉक्स या डिलीट इट। तो मैं इसको डिलीट इट करना चाहता हूँ और क्रिएट फिल्टर। तो फिल्टर, योर फिल्टर वॉज क्रिएटेड, फिल्टर क्रिएट हो गया है। ऐसे ही आप दूसरा कोई फिल्टर आप लगा सकते हैं, जैसे प्रमोशंस, ये इतने सारे प्रमोशंस आ रहे हैं, प्रमोशनल्स मेल्स आती हैं, इनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, इनको सबको सेलेक्ट कर लो एक बार में। इन सभी मेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फिर से दोबारा से सर्च ऑप्शंस पे जाएंगे। अब सर्चिंग क्राइटेरिया क्या चाहते हैं आप, अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और एक यहाँ मोर ऑप्शन से भी जाके देख सकते हैं, क्रिएट फिल्टर लिस्ट, क्रिएट फिल्टर लिस्ट, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ से फिल्टर मैसेज लाइक दीज, इन मैसेजेस को आप डायरेक्टली आप कर सकते हो और मेरा अकाउंट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट हम इसको फिशिंग दे देते हैं, फिशिंग देन क्रिएट फिल्टर देन मैं इसको फिर से डिलीट कर रहा हूँ, तो क्रिएट फिल्टर। इस तरीके से ये
फिल्टर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिल्टर लिस्ट, और फिल्टर लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गूगल से देख सकते हैं कि कैसे फिल्टर लिस्ट क्रिएट किया जा सकता है। आप चाहते हैं फिल्टर लिस्ट को एज अ स्पैम करार देना, तो यहाँ से आप कोई भी अमूल्यम डाल सकते हैं। अमूल्यम यहाँ आप देख सकते हैं, देखते हैं कोई एड्रेस, यस इसको मैजिक ब्रिक ले लेता हूँ मैं। ये मैजिक ब्रिक को मैंने कॉपी किया, देन अगेन पेस्ट टू में मेरा ईमेल अकाउंट है, मेरे अकाउंट में ना आए मैजिक मैं ऐसे डाल देता हूँ, देन क्रिएट। अब आप अगर इसको मार्क्ड आप इसको जंक ईमेल में डालता है, जंक ईमेल में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, नेम ऑफ मार्क इज एट इम्पॉर्टेंट, डिलीट इट, तो यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट कर सकता हूँ, या आप अप्लाई करके यहाँ पर जंक ईमेल में डालना चाहते हैं तो जंक ईमेल में डाल सकते हैं। फिर से क्रिएट वार्निंग, आइटम इन द ट्रेस आर नॉट डिस्प्ले इन लेवल व्यू, यस दोनों नहीं हो सकता एक बार, क्रिएट। सो इस तरीके से आप फिल्टरिंग लगा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इनकी मेल्स हमारे पास नहीं आएंगी डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेस है, सीधे इस ट्रेस में जाएंगी यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ट्रेस में जाएंगी। यस सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग। इससे आपने देखा कि कैसे आप फिल्टर लिस्ट क्रिएट करते हैं जीमेल में।